वेलकम टू डॉक्टर एन वाई आर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है? जब यूरिन फॉर्मेशन होता है, यूरिन फॉर्मेशन में क्या होता है, तीन स्टेप्स होते हैं। यूरिन फॉर्मेशन में तीन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा स्टेप होता है रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा स्टेप जो होता है वो होता है सिक्रेशन। ठीक है ना? तो ये तीनों स्टेप जो होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं यूरिन फॉर्मेशन में। तो आज हम पढ़ेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है, इसको आज हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन। सबसे पहले हम देखेंगे जो ये जो यूरिन फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, यूरियोपोसिस बोलते हैं इसको। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है यूरिन फॉर्मेशन का, पहला स्टेप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ही होता है। तो अगर हम देखेंगे जो हमारा वोमेनस कैप्सूल जो होता है इस तरीके से दिखता है नेफ्रॉन का, जब हम स्ट्रक्चर पढ़े थे लास्ट में, तो यहाँ पे क्या होता है, हाईली कन्वोलेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है ना? ये सिंपल एक डायग्राम होता है नेफ्रॉन का। ये वाला जो स्ट्रक्चर जो होता है इसको बोलते हैं वोमेनस कैप्सूल, वोमेनस कैप्सूल, या इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैप्सूल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं ग्लोमेरुलस कैपिलरीज यहाँ पे। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ब्लड इसमें प्रेजेंट होता है ना, और ब्लड में क्या होता है, वाटर कंटेंट होता है, और साथ में जो होते हैं बहुत सारे सोल्यूट जो होते हैं ये एंटर हो जाएंगे, ये फिल्टर हो जाएंगे इस ब्लड से, इस वोमेनस कैप्सूल में। ठीक है ना? तो पूरा ब्लड मतलब जितनी भी हमारी बॉडी का ब्लड जो होता है उसमें जो वाटर कंटेंट होता है और वो कुछ बहुत सारे सोल्यूट जो होते हैं वो फिल्टर हो जाएंगे इस ग्लोमेरुला से इस वोमेनस कैप्सूल में। तो उसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसी को बोलते हैं कभी कभी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा मीन्स बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत पूरा हमारी बॉडी का इस वोमेनस कैप्सूल में वो ये वाटर और ये सोल्यूट्स जो हमें फिल्टर हो जाते हैं। तो जो यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा इसमें जो इससे जो फिल्टर हो जाता है इस वोमेनस कैप्सूल की जो कैप्सुलर स्पेस में आएगा उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है ना? फिल्ट्रेट। ठीक। तो इसके बाद क्या होता है, जो फिल्ट्रेट जो होता है ये कहाँ पे चला जाएगा, ये रिनल ट्यूब्यूल पे चला जाएगा। ये कहाँ जाएगा, रिनल ट्यूब्यूल। यहाँ से जो यहाँ तक जो स्ट्रक्चर जो होता है इसको बोलते हैं रिनल ट्यूब्यूल। ठीक है ना? यहाँ वाला जो पोर्शन जो होता है इसको बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है ना? ये डीसीटी होता है, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होता है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर जो होता है इसको बोलते हैं नेफ्रॉन्स लोब। ठीक है ना? ये डिसेंडिंग लिंब होता है और ये असेंडिंग लिंब होता है। तो ये हमारा रिनल ट्यूब्यूल होता है। तो बाद में जो रिनल ट्यूब्यूल जो होता है वहाँ से कुछ इम्पॉर्टेंट जो होते हैं सोल्यूट्स वापस हमारे ब्लड कैपिलरी में जाते हैं जिसको बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है ना? तो अगर हम देखेंगे डेली डेली जो होते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो होते हैं एक एडल्ट में, एक एडल्ट फीमेल में लगभग 150 लीटर्स ये मतलब फिल्ट्रेशन हो जाती है फीमेल्स में, और 180 लीटर जो होते हैं वो फीमेल्स में चला जाता है, मेल्स में फिल्टर हो जाता है। ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो बनता है, ये फिल्ट्रेट जो होता है 99% जो इसका जो होता है वो वापस हमारे रिनल ट्यूब्यूल से वापस हमारी ब्लड कैपिलरी में आता है। 1 ही% जो होता है जिसके सिक्रेशन होते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। 99% हमारे ब्लड कैपिलरीज में फिर से वापस आता है हमारी ब्लड स्ट्रीम में, किसके थ्रू, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। ट्यूब्यूलर मतलब रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है,
हमारे रिनल ट्यूब्यूल से, हमारे रिनल ट्यूब्यूल से, ठीक है ना। रिनल ट्यूब्यूल से कहाँ आएगा, हमारी ब्लड कैपलरीज में, हमारी ब्लड कैपलरीज में, कौन सी कैपलरीज में, पेरिट्यूबुलर कैपलरीज, पेरिट्यूबुलर कैपलरीज में आएगा ये रीअब्सॉर्प्शन होके, ये 99%, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, ये जो हमारा ग्लोमेरुलस कैप्सूल या बोमेनस कैप्सूल जो होते हैं, ये साथ में मिलके हमारे ग्लोमेरुलस के साथ में कुछ मेम्ब्रेनस, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेनस फॉर्म कर देते हैं, उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये जो ग्लोमेरुलर कैपलरीज और पोडोसाइट्स जो हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा है, ये एक लीकी मेम्ब्रेन फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, ठीक है ना। ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन क्या काम करते हैं, ये अलाउ करते हैं वाटर को, और साथ में करते हैं स्मॉल सोल्यूट्स जो होते हैं इस ब्लड में उनको अलाउ करते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं और ब्लड सेल्स जो होते हैं, ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स इनको अलाउ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो इसमें कौन कौन से अलाउ होते हैं, वाटर होता है और स्मॉल सोल्यूट्स होते हैं। ये क्यों होते हैं, लार्ज क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इनका पोर साइज जो होता है बहुत छोटा है, इसलिए ये जो लार्ज वाले प्रोटीन्स प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, ब्लड सेल्स इसके थ्रू पास नहीं होते, ठीक है ना। तो यहाँ पे तीन मेम्ब्रेन्स होते हैं, वन बाय वन मेम्ब्रेन हम पढ़ेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वाला मेम्ब्रेन जो होता है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर एंडोथेलियल सेल्स। ये मेम्ब्रेन जो होता है, अगर आप लोगों को यहाँ से दिख रहा होगा ना, ये वाला जो होता है, ये एक मेम्ब्रेन बनाता है जिसको बोलते हैं कौन सा मेम्ब्रेन, ये किसकी वजह से बनता है, ये मेम्ब्रेन जो होता है ये बनता है ग्लोमेरुलर एंडोथेलियल सेल्स, मतलब जो हमारी ग्लोमेरुलस जो होते हैं उसमें सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं एंडोथेलियल सेल्स। तो ये मेम्ब्रेन इन ये सेल्स बनाते हैं, ठीक है ना। तो इनका साइज जो होते हैं, इनके जो पोर्स अंदर होते हैं, इनमें क्या होते हैं, ज़्यादा मतलब लार्ज साइज होता है इनमें। तो जो पोर्स इनमें होते हैं इनको बोलते हैं फेनस्ट्रेशन, ठीक है ना। तो ये किस किस चीज़ को अलाउ करेगा, ब्लड प्ला जो सोल्यूट्स होते हैं ब्लड प्लाज्मा उसको अलाउ कर देगा, लेकिन जो ब्लड सेल्स होते हैं उनको अलाउ नहीं करेगा ये वाला मेम्ब्रेन, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक ये मेम्ब्रेन आता है। दूसरा जो होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन एक तो ये एंडोथेलियल सेल्स बनाते हैं, दूसरा पोडोसाइट्स जो होते हैं, ये जो यहाँ पे अगर आप लोगों को दिख रहा है ये पोडोसाइट है, और ये वाला जो होता है यहाँ पे, ये पोडोसाइट का लेयर जो होता है यहाँ पे, और साथ में जो होता है एंडोथेलियल इस ग्लोमेरुलस कैप्सूल का, ग्लोमेरुलस कैपलरीज का जो एंडोथेलियल सेल्स जो होते हैं उनके बीच में जो मेम्ब्रेन होता है उसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। मतलब ये वाला हमारा पोडोसाइट सेल्स का ये वाला पोर्शन हो गया, और ये हमारा पोर्शन जो आता है ग्लोमेरुलस कैपलरीज, इनके बीच में जो बेस मतलब मेम्ब्रेन आता है उसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, या शॉर्ट में इसको लिखते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो ये किस चीज़ का बना होता है, कॉलेजन फाइबर्स का, और इसमें साथ साथ होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स भी इस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो इसका काम क्या होता है, ये वाटर को एलो कर देता है, और साथ में जो बहुत सारे सोल्यूट्स होते हैं, बहुत सारे लगभग मोस्ट ऑफ द सोल्यूट्स इसके थ्रू पास होते हैं, लेकिन जो प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होते हैं वो अलाउ नहीं करता है ये, ठीक है ना। अगर कभी कभी क्या होता है, किडनी में कोई प्रॉब्लम होगी, कोई डिजीज होती है, उस टाइम पे प्लाज्मा प्रोटीन जो होते हैं लीक हो जाते हैं, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ये लीक नहीं होते। इसके बाद आता है फिल्ट्रेशन सिलेटस। ये फिल्ट्रेशन सिलेटस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो पेडिसिलस होते हैं। पेडिसिलस का मतलब क्या होता है, लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था जो वेस्टरल लेयर होता है इसमें बोमेनस कैप्सूल में, उसमें क्या होते हैं, उसमें कुछ सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं पोडोसाइटिस, और पोडोसाइटिस की जो कुछ फिंगर लाइक फुट लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं उनको बोलते हैं पेडिसिलस। ये एक पेडिसिलस है, ये पेडिसिलस, ये पेडिसिलस, पेडिसिलस के बीच में जो मतलब जो कैप होती है या मेम्ब्रेन जो होती है उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन सिलेटस। यहाँ पे अगर आप लोगों को दिख रहा होगा ना, ये फिल्ट्रेशन सिलेट है,
ठीक है ना। तो ये जो फिल्ट्रेशन सिलिट जो होते हैं ये किस चीज़ को अलाउ करता है, ये वाटर को अलाउ करता है, ग्लूकोज को अलाउ कर देता है, विटामिन्स भी इसके थ्रू पास हो जाते हैं, ठीक है ना। इसका पोर साइज जो है ना बहुत छोटा होता है, और एमिनो एसिड को मैंने शॉर्ट में लिखा है AA, और स्मॉल प्रोटीन्स जो होते हैं उनको भी अलाउ कर देता है, साथ में अमोनिया और कुछ आयन जो होते हैं इस फिल्ट्रेशन सिलिट के थ्रू मतलब पास हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वो जो चीज़ जो होती है जिसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे आएगा, हमारे रेनल ट्यूब्यूल जो होता है ना, हमारे मतलब ये जो होता है ग्लोमेरुलर कैप्सूल जो होता है उसके स्पेस जो होते हैं उसके बीच में आएगा। इसके बाद जो होता है ये निकल जाएगा हमारे रिनल ट्यूब्यूल में, ठीक है ना। रिनल ट्यूब्यूल में सबसे पहले किस में जाएगा, PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, जो हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।